विश्वानी क्लासेस में मैं अनिल विश्वानी आप सभी दोस्तों का स्वागत करता हूं। सुबह के बज रहे हैं 8 और समय चुका है बदल नॉर्मल लेवल्स की वोकैबुलरी बिल्डिंग बुक का। ये सेशन है 26 और 26वें सेशन की ये दूसरी क्लास है। पहली क्लास में हमने कुछ खास शानदार वर्ड्स देखे और वो वर्ड्स क्या थे पहले उनको हम देखेंगे। कुछ लैकोनिक वर्ड्स देखे, लैकोनिक, इसके बाद नेस आईटीआई और इज्म से बने हुए नाउन्स, इसके हमने देखे, कल हमने उसको पढ़ा। इसके अलावा ब्रिलियंट कॉग्निजेंट की बात हमने की, पढ़ने वाले व्यक्तियों से फिर से मुलाकात की, लोकर की बात की जिसका मतलब स्पीक होता है और उससे बनने वाले सारे वर्ड्स, चाहे वो लोकिस्ट हो, चाहे वो वेंट्रीलोकिस्ट हो, चाहे सोलिलोकी हो, चाहे कॉलिकोलिज्म हो या सर्कमलोकेशन हो, जो कि पहले हम पढ़ चुके हैं ये सारे के सारे, ये हो इलोक्वेंट हो, मैग्नीलोक्वेंट हो, ग्रैंडीलोक्वेंट हो, ये सब हमने पिछले भी पढ़े थे और कल हमने उनको दोहराया था। इसके बाद रीजनिंग और इंटेलिजेंस की बात की थी बातचीत के दौरान, और फिर हेल्पमेट, हेल्पमीट और बेटर हाफ जिसको हम पत्नी कहते हैं, रेजिडेंस, होम इज अ प्लेस ऑफ रेजिडेंस, रेजिडेंस पर रहने वाली, फेयर सेक्स को, फेयर सेक्स को देखने वाली, चिल्ड्रन और ऑफस्प्रिंग या प्रोगेनी को समझने वाला, ये जो वर्ड होता है इसको हमने देखा। फिर डॉक्टर मेंबर ऑफ फैटर्निटी, फैटर्निटी प्रोगेंसी देखा हमने कि एक ही रूट से बने हुए हैं, एक ही मीनिंग रखते हैं, अलग अलग वर्ड्स बने हुए हैं। होमोसैपियंस, लोकासियस, ये सारे वर्ड्स कल हमने गैरुलस और वल्बुल्स पढ़ा था। इसके बाद कल हमने जल्दी खत्म कर दिया था क्लास को। इफ यू आर गैरुलस, फिर उसने कहा अगर आप गैरुलस हैं कॉन्स्टेंटली, तो ये गैरुलस के बारे में बताया गया। फिर वर्बोस और गैरुलस दोनों के डिफरेंस को समझाया गया और ये कहा गया जितने भी वर्ड्स ये बातचीत करने से रिलेटेड है, रेटिसेंट के जितने भी अपोजिट है, ये जो भी रेटिसेंट के अपोजिट है, वो सभी एक दूसरे के सिनोनिम होते हुए भी उनके बीच में बारीक अंतर है। ये कल चीजें हमने पढ़ी। फिर हमने मैग्नस और मैग्नस यानी लार्ज, बिग या ग्रेट की बात की, बिग वॉयस की बात की, मैनीलोकेंट की बात की, मैग्नोनिमस की कल ही बात, नहीं कल नहीं किया था मैग्नोनिमस, अब हम बात करेंगे मैग्नोनिमस। अब देखिए यहां पर कितने वर्ड्स हैं इसमें मैग्नोनिमस में, यहां मैग्नस है और इसके साथ साथ एनिमस है। एनिमस आप जानते हैं, एनिमस का मतलब माइंड होता है, दिमाग होता है, जिसका दिमाग मैग्ना हो, बहुत शानदार हो, बहुत हाई हो, तो ये दयालु व्यक्ति मैग्नानिमस का मतलब होता है, बहुत ही काइंड हार्टेड पर्सन मैग्नानिमस, बिग हार्टेड, जेनरस, फॉरगिविंग, माफ कर देने वाला, ऐसा व्यक्ति जो किसी को भी माफ कर देता है। इटिमोलॉजिकली ये ग्रेट माइंडेड बनता है, तो जिसके पास ग्रेट माइंड होगा वही किसी को माफ भी कर पाएगा। वी विल डिस्कस दिस वर्ड डेप्थ इन चैप्टर 12 और इसको हमने 12 चैप्टर में बहुत डीपली डिस्कस किया था, यानी कर चुके हैं। इसी तरह मैगन से ही बना है मैग्नेट, मैग्नेट ये पर्सन ऑफ ग्रेट पावर और इन्फ्लुएंस, अ बिग व्हील एज अ बिजनेस टाइकून, जैसे कहते हैं बिजनेसमैन, बिजनेस मैग्नेट, एक बहुत पावरफुल आदमी जो बहुत बड़ा बिजनेस करता हो, ठीक है ना। अब हम मैग्नीफाई की बात करेंगे। जब भी आप मैग्नीफाई, जब भी आप एफ वाई लगाते हैं, आप जानते हैं ये वर्ब को बनाने वाला सफिक्स है और इसके बाद जहां भी एफ वाई लगा होगा तो इसका मतलब यह है बड़ा, बड़ा बड़ा करना, बढ़ा चढ़ाकर बात करना, इसको बड़ा करना। बिलिटिल का ये अपोजिट है, टू मेक लार्जर और मेक सीन लार्जर, मैग्नस, मैग्नस प्लस इसमें फाई लगा है, फैसियो से बना है, जो कि जिसका मतलब होता है टू मेक, यानी ये वर्ब का सफिक्स है जो किसी भी वर्ड के पीछे लगा करके उसे वर्ब के रूप में परिवर्तित किया जाता है। मैग्नीफाई योर प्रॉब्लम्स, अपनी प्रॉब्लम्स को मैग्नीफाई करो, जैसे इसमें यूज किया गया। इसी तरह मैग्निफिसेंट आया है, मैग्नस आया है इसमें, और प्लस आया है फाई, एफ आई ई, फैसियो से बना है जो ये, और इसीलिए मैग्निफिसेंट का भी मतलब बहुत ही शानदार है ये। और मैग्नीट्यूड, इसी के साथ मैग्नस प्लस नाउन का जो सफिक्स ट्यूड लगा है, मैग्नीट्यूड है ना, एटीट्यूड, सर्टिट्यूड, ये ट्यूड जहां भी लगता है, हम जानते हैं ट्यूड और हुड जहां भी लगता है, नेस जहां भी लगता है, आईटीवाई जहां भी लगता है, इज्म जहां भी लगता है, सन टीआईओएन जहां भी लगता है, टीयूआरईटर जहां भी लगता है, ये सारे के सारे हमारे नाउन बन जाते हैं। जब भी डीओएम डम लगता है ये नाउन बन जाता है, टीएच ग्रोथ में, टीएच लगा अंत में, ये भी हमेशा नाउन बनाता है। ये आप पहला चैप्टर हमारा जो नाउन का हम पढ़ा रहे हैं उसमें ये सारी चीजें भी डिटेल में डिस्कस की गई है। उससे पहले हमने इंट्रोडक्शन के फ्री वीडियोस में इसको पूरी तरह से डिस्कस किया है, कौन कौन से प्रीफिक्स लगते हैं किसी भी एडजेक्टिव को नाउन बनाने के लिए, जैसे फॉर्टिट्यूड, मैग्नीट्यूड, ग्रेटिट्यूड, मल्टीट्यूड,
है ना, इसमें ट्यूड का यूज किया गया है, उसी तरह यहां भी ट्यूड का यूज किया गया, और मैग्नीट्यूड भी एक नाउन है। अब बात करेंगे मैग्नम एज ऑफ कैम एज ऑफ शैंपेन, ये शैंपेन है, एज ऑफ शैंपेन और वाइन, शैंपेन की स्पेलिंग ध्यान रखना, ये कई बार एग्जामिनेशन में आई है आपकी शैंपेन की स्पेलिंग। देखो टाइम नहीं अभी नमस्ते वमस्ते करने का, क्वेश्चंस करवाएंगे तब नमस्ते करेंगे, ठीक है ना, अभी आराम से बैठ के क्लास देखो, आवाज बढ़िया ना दिक्कत कर रही हो तो कोनो दिक्कत नहीं है। बुढ़ाओ हमारे थोड़ा सा दिक्कत करते हैं, ये स्टार्ट होने में इनको प्रॉब्लम थोड़ी लगी, इनको देर लगता है, सो के उठते हैं, जगाओ भैया जाओ क्लास लेना है, उठो उठो, तो अंगड़ा अंगड़ा के किसी तरह से उठ के तैयार, इनको 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 सही डॉक्टर की जरूरत है, लेकिन अब अभी टाइम तो नहीं है टाइम सही डॉक्टर का, ये इनसे केवल इतना काम है कि यहाँ बैठो और चुप पे क्लास हमारी लाइव करो और कुछ काम नहीं है, बाकी सारा काम उस लैपटॉप पे मैंने डाल दिया है, वर्ड पावर का पावर पॉइंट का जितना भी है सब उस पे डाल दिया है, इनका काम सिर्फ यह है कि ये क्लास जो है बच्चों तक पहुंचाना है, और इतने काम के लिए इनका हम रखें, ठीक है ना। शैंपेन हाँ बिल्कुल, लेकिन तब ही नखरा करते हैं इसलिए हम 10 दिन लेट हो जाते हैं, और फिर रत्नेश भैया हमको कहते हैं, क्या कहते हैं भैया हमको, नहीं रत्नेश नहीं कहता, रमेश कहता है। चलो मैग्नम ओपस, अब देखिए मैग्नम ओपस किसी भी व्यक्ति की बहुत बड़ी रचना जो होती है, जो प्रख्यात रचना होती है उसको मैग्नस ओपस, ये खूब लिटरेचर में आपने पढ़ा है, एटिमोलॉजिकली अ बिग वर्क जिसका मतलब बड़ा कार्य, एक्चुअली अ म्यूजिकल ड्रामा कंटेनिंग ओवर टू सिंगिंग एंड अदर फॉर्म्स ऑफ म्यूजिक, मेनी म्यूजिकल वर्क्स, वर्ब ओपेरा, आपने सुना होगा ओपेरा, ओपेरा का मतलब क्या, ये ओपेरा भी इसी से बना हुआ है ओपस से, ये ओपस जो है वर्ड लिखा है यहाँ पे, और ओपस का मतलब क्या है, ओवर टू सिंगिंग कंटेनिंग, बहुत सारा ड्रामा हो म्यूजिकल ड्रामा उसको ओपेरा कहते हैं ओपस, फ्रॉम ऑफ म्यूजिक मेनी म्यूजिकल वर्क्स का जो कॉम्बिनेशन होता है, द वर्ब फ्रॉम ओपेरा इसका मतलब है टू वर्क, अकर्स इन ऑपरेट, ये अकर होती है ऑपरेट में, ऑपरेट ये ओपेरा ही ओपस से ही बना है ऑपरेट, ठीक है ना, और इसी से ऑपरेटर भी बना है, ऑपरेटिव भी बना है, ऑपरेशन भी बना है, तो ऑपरेशन ऑपरेटिव ऑपरेट इन सभी का मतलब है वर्क करना कार्य करना, जो बना है ओपेरो से, ओपेरो से बना है ओपेरा, आगे हम बताएंगे कि ओपेरा वर्ड भी इसी से आया हुआ है। पहली सीट पर रमेश भैया, रमेश वीर जी और अंशु मैडम, अच्छा ठीक है, चलो बेटा 5 वर्ड हमारा देखिए अगला, वर्ड्स 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 वर्बम, आप जानते हैं ये वर्ड पहले पढ़ चुके हैं, वर्बम कौन सा वर्ड है, वर्बम वह वर्ड है, थोड़ा ब्लोअर इधर बढ़ा लें, ठीक है, लैटिन वर्बम से लिया गया है, वर्ब इज अ इंपॉर्टेंट वर्ड इन अ सेंटेंस, वर्ब जानते हैं आप, वर्ब सबसे इंपॉर्टेंट वर्ड किसी भी सेंटेंस का होता है, और वर्ब भी किससे बना है, वर्बम से ही बना है, लैटिन रूट है ये, अ वर्ब इज अ इंपॉर्टेंट वर्ड इन अ सेंटेंस, वर्बेटिम इज वर्ड फॉर वर्ड, और जैसे ही आप वर्बेटिम की बात करते हो आपको कई बार ये वन वर्ड सब्स्टिट्यूशंस में मिला होगा, वर्बेटिम का मतलब होता है वर्ड फॉर वर्ड, शब्द के बदले शब्द यूज करना, अ वर्बेटिम रिपोर्ट, वर्बेटिम रिपोर्ट का मतलब है जिसमें शब्दों को चेंज कर दिया गया हो, तो ये वर्बेटिम रिपोर्ट हो जाती है। ये सारे वर्ड्स आपको अपने पास नोट भी करने हैं, अगर आपके पास नॉर्मल लेविस की बुक जो मैं पढ़ा रहा हूं नहीं है तो इनको नोट भी करना है बहुत बेहतर तरीके से वर्बल, और अगर पीडीएफ आप चाहते हैं तो पीडीएफ में आपको उपलब्ध करवा दूंगा, ग्रुप में मिल जाएगा वर्बल, इसी तरह से वर्बल वर्ब से ही बना है, जो कि बना है वर्बम से, वर्बम से, एंडिंग इन द एडजेक्टिव सफिक्स अल, ये वर्ब में लगा दिया गया अल तो वर्बल हो गया, वर्ब का मतलब बोलना होता है, वर्ब का मतलब क्या है, कहना बोलना, मे रिफर आइदर टू अ वर्ब और टू अ वर्ड्स इन जनरल, तो वर्बल का मतलब है शब्द जो सामान्य रूप से बोले जाते हैं उनको वर्बल, जैसे वर्बल फाइट, दो महिलाएं घर से बाहर निकली और वर्बल फाइट शुरू कर दी, ठीक है ना, हा वर्बेटिम, शब्द डांस ये ठीक है। अब देखो इट मे मीन लूजली, इसका मतलब ओपनली लूजली भी होता है, ओरल भी होता है, और लूजली ओरल और स्पोकन, लूजली ओरल और स्पोकन,
बोला हुआ जो मुंह से बोला जाता है उसको सबको हम वर्बल कहते हैं, जो मुंह से बोला जाता है, रादर देन रिटन, जो रिटन नहीं होता है, एग्रीमेंट या कॉन्ट्रैक्ट जो भी हो। डिस्क्राइबिंग पीपल सी इज क्वाइट वर्बल, जैसे कहते हैं वो बहुत वर्बल है, मतलब वाचाल है, वो बोलती बहुत है, शब्दों का बहुत काम करती है, शब्दों पर बहुत काम करती है। इट मे रिफर टू अ रेडी एबिलिटी टू फीलिंग्स और थॉट्स इनटू वर्ड्स, ठीक है ना। वर्किंग फ्रॉम वर्बल, कैन यू एड कॉमन वर्ब सफिक्स, अगर वो पे आप काम करें तो क्या, वर्बल पे काम करें तो क्या कॉमन सफिक्स इसकी फॉर्म में जोड़ सकते हैं मीनिंग बनाने के लिए कुछ अदर अलग वर्ड्स की, जैसे हम कहें वर्बियज हैज टू मीनिंग्स एंड एक्सेस ऑफ वर्ड्स, ये भी वर्बियज हो जाएगा, सच वर्बियज, ऐसा शब्दों का प्रयोग, ऐसा अधिक शब्दों का प्रयोग, या हम कहें स्टाइल को, अगर हम कहें ये वर्बियज स्टाइल या मैनर या तरीका है काम करने का, तो हम कह रहे हैं इसका मतलब है मेडिकल वर्बियज, जैसे और कुछ वर्ड्स बनाए मिलिट्री वर्बियज, मेडिकल वर्बियज, ठीक है। नहीं ये बात नहीं, ऐसे ऐसे मत बोलना कि झगड़ा करती हैं औरतें, उन्हीं की वजह से यहां सुकून से तैयारी कर रहे हो, हम सुकून से पढ़ा रहे हैं, है ना, हाल तुम पंगा ना करो सुबह सुबह, बता दिए बहुत झगड़ा करती, हम फेमिनिस्ट हैं जानते हो, बुराई नहीं करना मेरे सामने। अब हम रोल की बात करेंगे, रोल 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 रखता जा रहा नीचे की तरफ डाउन, ये है वॉल्वो, वॉल्वो कल यहां तक शायद पढ़ा दिया था हमने, ये चलो कोई बात नहीं, ये तो बढ़िया चीज है, इसको दोबारा पढ़ लो कोई समस्या नहीं है। एक्सेस ऑफ वर्ड्स, मैनर ऑफ यूजिंग यू वर्ड्स, यस मैनर ऑफ यूजिंग वर्ड्स, यस। खुशबू सीट नहीं मिली है, अरे बैठा लो भैया खुशबू को वहीं पे, वो आपकी बहन है वहीं पे पड़ोस में बिठा लो। वर्बल का मतलब है मुंह से निकले हुए शब्द, यानी शब्दों में व्यक्त किया गया, ओरल का मतलब है जो मुंह के द्वारा किया गया, बस इतनी सी बात है। वह कोई कार्य भी हो सकता है, मुंह से बोला हुआ आवाज भी हो सकती है, मुंह से खखारा खांसी भी हो सकती है, यानी मुंह से किया जाने वाला जो कार्य है, ओरल एक एडजेक्टिव है और वर्बल ही एक एडजेक्टिव है। वर्बल का मतलब है जो शब्दों में व्यक्त किया जाए, और ओरल का मतलब है जो मुंह से किया जाए, बस इतना सा फर्क है। ओरल का मतलब है मुंह से किया जाने वाला, वो कोई शब्द भी हो सकता है, वो कोई और कार्य भी हो सकता है। तो ओरल, देयर इज डिफरेंस वर्बल एंड ओरल, बात समझ रहे हैं। तो रिटेन का जो अपोजिट है ये दोनों है, वर्बल भी है ओरल भी है, लेकिन वर्बल का मतलब है जो शब्दों में व्यक्त किया जाए। क्लियर हो गया, वॉल्वो आ रहा है सर जी बार बार, ये नहीं पढ़ा, चलो कोई बात नहीं, बोरा लेके आए थे चलो ठीक है ले जाओ बोरा पर। वॉल्वो, अब बात करेंगे वॉल्वो की, तो वॉल्वो वोल्टेज, जैसे वॉल्वो गाड़ी होती है, वॉल्वो का मतलब क्या होता है, रोल करना, रोलिंग डाउन करना, ठीक है ना। वॉल्वो वोल्टेज टू रोल होता है, इसका मतलब द सोर्स ऑफ वैल्यूबल, वैल्यूबल जो वर्ड निकला था जिसका सोर्स हम यहां तलाशने की कोशिश कर रहे हैं, इज द रूट ऑन विच मेनी इंपॉर्टेंट इंग्लिश वर्ड्स आर बेस्ड, रिवॉल्व, देखो ये रिवॉल्व में भी तो है बेटा, ये वॉल्व है, ये रिवॉल्व है, रिवॉल्व यानी रोल अगेन। गुड मॉर्निंग मैम, रोल अगेन एंड अगेन और कीप टर्निंग राउंड, जो मूव करता रहे, लगातार मूव करता रहे, जो मूव करता रहे, रोल करता रहे, उसे हम क्या कहते हैं, रिवॉल्व करना कहते हैं। तो ये वॉल्वो जो वर्ड है, वोल्टेज जो वर्ड है, ये इसका मतलब है रोल करना। क्लियर हो रहा है, हाँ रिवॉल्वर होता ना, दिखिए हाँ, सोनू वालिया के पास बैठ जाओ भाई, चलो आग देखो। फिर कहता है व्हील्स रिवॉल्व, द अर्थ रिवॉल्व्स, पहिया घूमता है, पृथ्वी घूमती है अराउंड द सन, द सिलेंडर ऑफ रिवॉल्वर रिवॉल्व्स, जो सिलेंडर लगा होता है रिवॉल्वर में, जो हर बार घोड़ा दबाने पे यूं घूम जाता है, यूं घूम जाता है, तो वो क्या हो जाता है, वो रिवॉल्व हो जाता है, ठीक है ना। द प्रीफिक्स इज री, यहां पर लगा है री, और इसका मतलब होता है बैक यानी अगेन, ये आप पहले पढ़ चुके हो। द नाउन इज रिवोल्यूशन, अब देखो ये रिवोल्यूशन आ गया, नाउन बन गया, विच कैन बी वन सच कंप्लीट रोलिंग, जो वास्तव में रोल ही हो जाए, रिवोल्व रिवोल्यूशन हो गया, बाय लॉजिकल एक्सटेंशन,
अ रेडिकल चेंज ऑफ एनी सॉर्ट किसी भी प्रकार का एक क्रांतिकारी परिवर्तन जब हो जाए तो वो रिवोल्यूशन हो जाता है, किसी भी फील्ड में आ जाए। आओ भैया आओ बैठो, सज्जन बैठो, सज्जन बैठो, तापो आके, हम तो ताप रहे हैं धीरे धीरे, ठीक है ना। विच कैन बी वन सच कंप्लीट रोनिंग और बाय लॉजिकल एक्सटेंशन अ रेडिकल चेंज ऑफ एनी सॉर्ट, टीबी वॉज रिस्पॉन्सिबल फॉर द रिवोल्यूशन। मनोरंजन का जब क्रांति आई मनोरंजन के क्षेत्र में, तो एंटरटेन इंडस्ट्री में रिवोल्यूशन हो गया जब टीवी की उत्पत्ति हुई। और टीवी की जगह आज किसने ले ली है, ये देखो टीवी है ना, आज कोई टीवी नहीं लेता है ना, इसी से काम चला लेते हैं किसी तरह से, इसी पिक्चर पिक्चर मान लो कभी मौका मिला एक आध देखने का तो इसी देख लेते काम चला लेते, टीवी तक नहीं है घर में बताओ ठीक है ना, घर में एक टीवी तक नहीं है मेरे बेटा। स्पेशली पॉलिटिकल द अमेरिकन और फ्रेंच रिवोल्यूशन जैसे होता है ना ज्यादातर, या अमेरिकन रिवोल्यूशन या इंडियन रिवोल्यूशन या फ्रेंच रिवोल्यूशन है ना, इस तरह से हम इसको कह सकते हैं। द एडजेक्टिव रिवोल्यूशनरी बनता है, वह व्यक्ति जो रिवोल्यूशन लाता है या रिवोल्यूशन को समर्थन करता है वह रिवोल्यूशनरी होता है। अरे बतियाओ ना खूब, आ जाओ सब लोग बैठ जाओ चुप्पे। एडजेक्टिव रिवोल्यूशनरी है इंट्रोड्यूसेस अस टू अ न्यू एडजेक्टिव सफिक्स ए आर वाई, देखो इसमें ए आर वाई लगाकर, आप जानते हैं एरी लगा करके भी एडजेक्टिव बनता है, जैसे हम कहते हैं कंट्रेरी, जैसे हम कहते हैं डिसिप्लिनरी, जैसे हम कहते हैं स्टेशनरी, जैसे हम कहते हैं इमेजिनरी है ना, ये सब क्या है, ये सारे के सारे ऐसे वर्ड हैं जो ए आर आई लगा करके, नाउन में लगा करके ए आर आई बनाए गए हैं एडजेक्टिव। इसी तरह से एडजेक्टिव के, एडजेक्टिव की एक और आपको क्या मिल गई है ए आर वाई, ये आपको एक सफिक्स मिल गया है एडजेक्टिव का। अब तक बहुत सारे सफिक्स आपको एडजेक्टिव के मिल चुके हैं, मैं बीच बीच दोहराता रहूंगा, बट ये कभी कभी नाउन सफिक्स भी लेता है, यानी ये नाउन भी बन जाता है, जैसे कमेंट्री, जैसे सीनरी, तो सीनरी है, कमेंट्री है, डिक्शनरी है ना, कमेंट्री है, ये तो नाउन होते हैं कमेंट्री है ना। Add different prefixes to Volvo to construct two more English word, जरा कुछ और अलग सफिक्सेस का यूज करके वॉल्वो से कुछ और वर्ड्स बनाने की कोशिश करिए, नहीं तो हम तो आगे बताएंगे ही। हम तो सोचे ट्रीवी मीन ट्रांसटिव वर्ब, नहीं ट्रांसटिव वर्ब नहीं है मतलब उसका। अब करते हैं बात वॉल्वो के अगले वर्ड की जो बनता है इन्वॉल्वमेंट से, कहते तुम्हारा इन्वॉल्वमेंट है इसमें, इन्वॉल्व है तो इन्वॉल्व देखो क्या बन गया, इन बना इन, ये इन, और इन आप जानते हो क्या वॉल्व का अपोजिट बनाता है इन, लेकिन ये इन्वॉल्व का मतलब है आप उसमें शामिल हो गए, इसका नाउन बनेगा इन्वॉल्वमेंट, रोल इन घुस जाना, किसी चीज में शामिल हो जाना, तो इन्वॉल्व हो गए आप किसी चीज में शामिल हो गया, कुछ ने आपको कंटेन कर लिया। एवॉल्व, अब एक वर्ड आया इवॉल्व, ये क्या है, इटिमोलॉजिकली रोल आउट, इवॉल्व बाहर की तरफ निकलना, इन्वॉल्व अंदर की तरफ निकलना, अंदर की तरफ जाना, क्योंकि ई का मतलब होता है आउट, ई जो है लिया गया है एक्स से, ये आप जानते हैं एक्स से लिया जाता है, जब भी कहीं ई लगा दिया जाता है तो वो एक्स से लिया जाता है, अगर वो वॉल्व में ई लगा गया तो इवॉल्व बनाया गया, तो ई जो है वो एक्स से लिया गया, एक्स का मतलब आउट होता है। हेंस टू अनफोल्ड अ ग्रेजुअल डेवलपमेंट द फाइनल प्लान इवॉल्व्ड फ्रॉम सम इनफॉर्मल डिस्कशन, द पॉलिटिकल पार्टी इवॉल्व्ड फ्रॉम अ ग्रुप ऑफ इंटरेस्ट सिटीजन who met frequently to protest government actions, government actions के को protest करने के लिए जो लोग होते थे उनको शामिल करके उसने evolve कर लिया, एक पार्टी को develop कर लिया, तो evolve का मतलब develop हो गया। अब देखो by likeness with the forms derived from revolve, can you construct the noun adjective of evolve? जैसे आपने revolve से बनाया था उसी तरह क्या evolve से आप एक noun और एक एडजेक्टिव खड़ा कर सकते हैं, यहां पर बिल्कुल खड़ा कर सकते हैं। अरे तिवारी अब तो बतिया लो, व्हाट डू यू थिंक एक्चुअली मीन तुम, भैया रमेश द्विवेदी हिमांशुआ से लड़ाई ना करो, वह अपना रेगुलर बच्चा है हिमांशु तिवारी और रमेश द्विवेदी। हाँ, उद्भव होना, डेवलप होना, उत्पन्न होना, पैदा होना, ये मतलब है।
उसको नए स्वरूप में आ जाना, इवॉल्व करना, बाहर की तरफ निकलना। इन्वॉल्व का मतलब अंदर की तरफ और इवॉल्व का मतलब बाहर की तरफ। तो कोई चीज इवॉल्वमेंट हो रही है यानी उत्पन्न हो रही है, बाहर की तरफ निकल रही है यानी आउट हो रही है, वो रोल आउट हो रही है, रोल आउट निकलकर बाहर आ रही है, ऐसे समझिए इसको, है ना। पढ़ाना बंद, तुम्हारा काम चालू। आ जाओ शुरू करो। अब आपका काम, अब लिखो, कितना लिखते हो देखते हैं। बेटा मेरा, लल्ला मेरा, लैकोनिक का मतलब, लैकोनिक वर्ड दिया था, ये स्पार्टा के लोगों में बहुत फेमस था, लैकोनिया, जिसका सिनोनिम है और इसका मतलब होता है बहुत ही कम शब्दों में अपनी बात को कहने वाला। यानी हम क्या कहेंगे इसको, एक मैं बता देता हूं, लैकोनिक। आपको मैं क्या कह रहा हूं, आप क्या कह रहा हूं कि आप नेस से आज के कुछ वर्ड्स लगाकर, नाउन सफिक्स है जो, एक वर्ड बनाइए, इज्म लगाकर, आई टी वाई लगा करके एक वर्ड बनाइए। आपको लगेगा तो फालतू का काम है, अभी तो पढ़े थे, करके तो दिखाओ, फालतू का है मैं भी जानता हूं, लेकिन ये करके दिखाना होगा आपको। चलो बेटा, सर जी तिवारी जी और द्विवेदी जी एक दूसरे से अच्छे से अंडरस्टैंड करते हैं, बस ठीक है, फिर कोई बात नहीं, बचवा हमारे लड़े हैं ना, बस बछड़े हैं ना, सब बछड़े हमारे, छुट्टा घूमते रहते हैं, जिनके नाथ पड़ी है वो तो बेचारे नहीं लड़ते हैं, वो तो अपना लोन तेल लकड़ी से परेशान है। अभी छुट्टा है हमारे, अभी रमेश भैया है और हिमांशु है, अभी दो चार है छुट्टा सांड, जिनको कहते हैं छुट्टा सांड, तो ये कहीं भी किसी की, किसी के भी खेत में घुस जाए तो हमको डंडा लेके ऐसे बैठना पड़ता है, उधर नहीं, परसों भैया खेत ना, इधर इधर, हमको ही करना पड़ता है, ठीक से अपनी सीट पर बैठो। बेस्टी हो गए, चलो ठीक है, तुम दोनों एक दूसरे के बेस्टी हो, ठीक है। लैकोनिज्म बन गया, लैको, हाँ बहुत बढ़िया बेटा। लोकासियस बन गया, बहुत बढ़िया, लोकासियस, यहाँ ओयूएस है तो नहीं बेटा, अच्छा लैकोनिक से बनाया है आपने, लोकासियस बन गया, कोई बात नहीं बेटा, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया वर्ड बना लैकोनिज्म, ठीक है। हम क्या इसमें देखें कमेंट, बारबेरियन इटर्निटी, हाँ बहुत बढ़िया, कहाँ बेइज्जती हो गई, कौनों बेइज्जती नहीं किया हमने, हमने ये कहा ये जो नाथ जिनके नहीं पड़ी है, नाक में नाथ डालते हैं बैल के, तो कुछ हमारे स्टूडेंट जो वो बिना नाथ के हैं, तो उनको जो है संभाल के हमको रखना पड़ता है ना। चलो इज्म से बन गया और आई टी वाई से बन जाएगा, बहुत बढ़िया से, चलो हाँ, टाक फ्यू मच मीनिंग, कुछ भी थोड़ा सा बोल के ज्यादा मीनिंग देना, इलोक्वाइंट, बहुत बढ़िया, इलोक्वाइंट, ईएनटी, अच्छा इससे बना रहे हो, चलो ठीक है, वो बना दिया। अब ये तीनों बना लो एक एक वर्ड बेटा, नाउन सफिक्स बनाओ तीनों, इज्म से, नेस से, आई टी वाई से, कोई बढ़िया वर्ड दो, नेस से दो एक, और मेंट से भी है, ई ई, देखो ई अभी हमने बताया था, ई का मतलब एक्स होता है, जब भी ई लग जाता है किसी रूट वर्ड में, ई लगता है तो इसका मतलब आउट, बाहर की तरफ होता है, एक्स होता है उसका मतलब, वो एक्स का ई लिया गया है। और ये एंट जो है ये भी एडजेक्टिव का सफिक्स है, और एंस जो है वो नाउन का सफिक्स है। ये सारे आप पहले पढ़ चुके हो, ऐसा नहीं कि नहीं पढ़े हो, लेकिन एक एक बार वर्ड दे दोगे तो मजा आ जाएगा मुझे। लैकोनिसिटी, बहुत बढ़िया बेटा, एनेबल, हाँ बढ़िया है, एनेबल, एनेबल कहा से बनाया है तुमने, इसमें कहा एनेबल है, एबल तो आया नहीं बेटा इसमें। एलोक्वेंस है, कंसोनेंस, बढ़िया वर्ड है, नाउन दिया आपने बेटा, बेटा बहुत बढ़िया। रंजीता, एग्रीमेंट, बहुत बढ़िया बाबू। लोकैलिटी, यस बिल्कुल सही है, प्रूडेंट, एंट, ई एन टी लगा करके छठा वाला बनाया है, बढ़िया। कुछ और वर्ड तो जल्दी से, रेफरेंस, बहुत बढ़िया, रेफर करें तो रेफरेंस, इन्वॉल्वमेंट, रेटिसेंट, बहुत बढ़िया बेटा, रेटिसेंट पुराना शब्द उठा के ले आई, बहुत बढ़िया बेटे, पांचवें का दिया है रेटिसेंट, पांचवें का रेटिसेंट कहां, पांचवें तो एक्स है ई, उसमें तो री लगा है अगेन वाला रेटिसेंट में, और ए को ई किया गया है, लेकिन वो ई एक्स वाला थोड़ी है। काइंडनेस, आइडलिज्म, एटर्निटी, इन्वॉल्व, बहुत बढ़िया बेटा रामरन, बहुत अच्छे, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, बढ़िया वर्ड दे रहे हैं आप। एंड से मैग्नस, अब मैं इसको हटा देता हूं, थोड़ा सा ऊपर कर लेता हूं, मैग्नस, ये इतने वर्ड बना दिया आपने, आप लोग मैग्नस से बनाओ, मैग्नस से, मैग्नस से बहुत सारे वर्ड्स अभी आपने पढ़े हैं,
बहुत सारे वर्ड्स पढ़े, मैग्नानिमस, मैग्नीमेंट कोई वर्ड नहीं होता, मैग्नानिमस होगा, मैग्नानिमिटी होगा, एक्सपेरिमेंटल, अच्छा ई एक्स से बनाया है आपने, बहुत बढ़िया बेटा, ई से बनाया, बहुत सुंदर बेटे, मैग्नस, मैग्नस, इलोक्वेंट पुराना वर्ड आ गया, पहला वाला आप उत्तर आपने दिया है, अब मैग्निफाई करना, बहुत बढ़िया बेटा, आइसोलेंस, आइसोलेंस, मैग्नम ओपस, शानदार अंशु, अंशु शानदार, बहुत बढ़िया, मैग्नम ओपस। अब ये वर्ड भूलेंगे नहीं कभी बेटा आपको, कभी नहीं, किसी भी एग्जाम को देने जाओ ये नहीं भूलने वाले आपको, कभी भी नहीं भूलेंगे, कभी नहीं भूलेंगे बेटे ये। एंटरटेनमेंट, मैग्निफिसेंट, एटीट्यूड, मैग्निफिसेंट, ग्रैंडिलोकेंस, बहुत बढ़िया बेटा, ग्रैंड से बना, ग्रैंडिलोकेंस, बहुत बढ़िया, मैग्निलोकेंस, ग्रैंडिलोकेंस, वेट बम से बना, ये वर्टम, वर्टम, वर्बोस, ग्रैंडिलोकेंट, लोकल, मैग्नीट्यूड, बहुत बढ़िया आकांक्ष त्रिपाठी, आंचल कुमारी, एके सिंह भैया, लिरिकल बैलेट द वर्ड फॉर मैग्ना ओपस, यस बेटा बहुत बढ़िया एके सिंह भैया, स्वागत है आपका, आपकी पहली क्लास है आज, वल्बल, बहुत बढ़िया, वर्बेटम, मैग्नीट्यूड, मैग्नम, वर्बोस, वर्बोस, बहुत बढ़िया, वॉल्वो से बनाइए वर्ड फटाफट, वॉल्वो से वर्ड बनाइए, जिसका मतलब रोल इन रोल आउट होता है, इन्वॉल्व और इवॉल्व, ये दोनों वर्ड्स बनाइए आप फटाफट, इससे बनाइए बेटा, वॉल्वो से बनाइए, गैरोलस हो गया, गैरी से तुझ शैटर, बहुत बढ़िया बेटा, गैरोलस हो गया इसका, गैरोलस हो गया, बहुत बढ़िया बेटे, ये सारे केवल वर्ड दोहराने हैं बस, और कुछ नहीं करना, कुछ नहीं करना है, यही तैयारी है, यही जो पढ़ा है पीछे उसे दोहराना है, उसे दोहराना है और कुछ भी नहीं करना। ग्रैंडियोस, मैग्नीट्यूड, बहुत सुंदर, ट्यूड हो गया, ट्यूड हो गया, हुड हो गया, ओपस, ट्यूड, हुड, ओपस, वर्क होता है जिसका मतलब, 22 है टोटल बनाने हैं, जिसके पास टाइम हो वही रुके क्लास में, कुछ काम धाम निपटाओगे तो निकल लो, निपटा के बाद में देखना, अभी टाइम हो तो देखो, नहीं तो बाद में देखना, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन इन वर्ड्स को अपनी कॉपी पे लिखो, तब आप कॉपी पे लिखोगे, बात समझ रहे हैं, तब आप कॉपी पे लिखोगे अपनी वर्ड्स। गैरुलस, रिवोल्यूशन, वॉल्युएबल, वॉल्युबल, वॉल्युबल, बहुत बढ़िया बेटा, वॉल्युबिलिटी, हवा चल रही बाहर क्या बहुत तेज, अरे ये तो तूफान जैसा, आज तो मौसम बड़ा आशिकाना है बाहर, एकदम जबरदस्त वाला। एनिमेशन, एप्टीट्यूड, एप्टीब्यूट्स, बेस्ट, बिल्कुल, बहुत बढ़िया बेटा, चलो मैं थोड़ा सा आगे बढ़ा देता हूं, ये लो, ऑपरेटो, ऑपरेटो का मतलब वर्क होता है, ऑपरेट, ऑपरेशन, है ना, ऑपरेटो, ऑपरेटो से बनाओ बेटा, एटीट्यूड, लैटिट्यूड, मैग्नीट्यूड, ऑपरेट, ऑपरेशन, लैकोनिज्म, बहुत बढ़िया, वर्बल, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छे, तो चलिए इनको सब आप अपनी बुक में जरूर लिखिएगा, एक एक दो दो वर्ड्स, ठीक है ना, और मैं आगे बढ़ाता हूं आपकी गाड़ी को, ये रहा, चलिए चलो इनको प्रोनाउंस करना है बेटा, मेरा काम शुरू हो गया, इनको प्रोनाउंस करना है, मेरे साथ बोलना है बेटे, मेरे साथ बोलना है, ताकि मेरे साथ साथ आपका भी प्रोनाउंसिएशन सही हो, मेरा भी प्रोनाउंसिएशन बहुत अच्छा नहीं है, मैं हिंदी, शुद्ध हिंदी स्कूल का पढ़ा हुआ एक बहुत ही गंदे स्कूल से पढ़ा हुआ टीचर हूँ, ठीक है ना, तो मैं खुद से जो सीख पाया हूँ वही मैं तुमको सिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। लेकोनिसिटी, 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 ये अ की यहां पर आएगी, अ यहां पे, अ यहां पे, अ आएगा, अ लेकोनिसिटी, लेकोनिज्म, लेकोनिज्म, सिर्फ प्रोनंसिएशन करना है और बताना है कि ये और ये कौन सी पार्ट था इस पीछे, देखो लेकोनिसिटी, टी वाई लग गया ना बेटा, ये क्या हो गया, ये नाउन हो गया, ये नाउन हो गया, लेकोनिज्म ये एडजेक्टिव हो गया, हो गया कि नहीं हो गया, है एडजेक्टिव, साफ साफ
ये लैकोनिसिज्म, ये भी नाउन, सॉरी 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 क्या लिख दिया मैंने, उत्तरे की, मैं तूफान का बाहर सोच रहा था और यहां लिख दिया मैंने कुछ और, सोच रहा था मैं बाहर तूफान आया होगा तो कैसा लग रहा होगा। लैकोनिज्म ये भी एक नाउन है और लैकोनिसिज्म भी एक नाउन है। इलोक्वेंट, एंट, ईएनटी लगता है तो क्या बनता है बेटा, एडजेक्टिव बनता है, और इलोक्वेंस ईएनसी लगता है तो क्या बनता है, ये नाउन बनता है, ठीक है ना। इसी तरह से मैग्नीलोक है ये उसकी स्टेट, यानी ये एक नाउन बन गया, क्लियर है। ऑरेटरी, यस बेटा, इलुकेंस, इलुकेंस, आ जाओ, आज तो अंदर तक के दरवाजे हिला रही है हवा। ग्रैंडिलोकेंट, ग्रैंडिलोकेंट कह रहा है और ग्रैंडिलोकेंस कह रहा है, और वर्बोसिटी कह रहा है, और वोलबिलिटी कह रहा है, और गर्लिटी कह रहा है, और कॉजेंसी कह रहा है, ये सारे कह, खोल दो हवा, नहीं तो आग ठंडे थोड़े अंदर, हमें दिक्कत थोड़ी, हाँ खुला रहे, ताजी हवा आनी भी जरूरी है। ग्रैंडियोकेंट ये कौन सा है, ये क्या है, ये बेटा एडजेक्टिव हुआ कि नहीं हुआ, और ये हुआ नाउन, एनसी मिलाकर बनता है, और ये भी, ये वर्बलिटी और वर्बोसिटी ये भी दोनों नाउन हो गए, हुए कि नहीं हुए बोलो, और गैरलिटी और कॉन्जेंसी ये दोनों नाउन हो, ये सारे के सारे नाउन फॉर्म्स। रूट कितने बढ़िया तैयार हो रहे हैं आपके नाउन के, बहुत बेहतरीन तरीके से आपके रूट्स तैयार हो रहे हैं, और यही आपको बिल्कुल मस्त तरीके से तैयार करेगा, अंदर से मजबूत करेगा आपको ये। चलो अब आपकी बारी है परीक्षा, थोड़ा सा और पढ़ लेते हैं तब चलते हैं। मैग्नोनिमस, 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 ओयूएस लगा है, जाहिर सी बात है ये एडजेक्टिव है। मैग्नेट, ये पार्ट्स ऑफ स्पीच बताओ, मैग्नेट कौन सी पार्ट्स ऑफ स्पीच है, क्या हम मैग्नेट पर्सन कहते हैं, मैग्नेटेड कहते हैं, मैग्नेट कौन सी पार्ट्स ऑफ स्पीच है। ठीक है ठीक है, 10 11 12 नाउन हो गए, ये सारे लिख दिए उधर, सोनू वालिया ने सारे लिख के भेज दिए, अब इतने हम नहीं पढ़ेंगे, हम सब बता चुके हैं। उमेश, फर्स्ट का एडजेक्टिव हो गया, तो सेकंड बताओ मैग्नेट कौन सी पार्ट्स ऑफ स्पीच है, पार्ट्स ऑफ स्पीच कौन सी है, फर्स्ट एडजेक्टिव हो गया ठीक है, दूसरा नाउन हो गया, दूसरा एडजेक्टिव और ये नहीं नहीं मैग्नेट, ये मैग्नेट ये नाउन है, ये एडजेक्टिव है, और वो इसकी मैग्नीफाई बनेगी, मैग्नीफाई बनेगी, ये दोनों है, ये मैग्नेट पीपल भी होते हैं और मैग्नेट पर्सनालिटी भी होती है और मैग्नेट चुंबक भी होता है जिसमें मैग्नेट का गुण होता है, ये दोनों है बेटा, ये एडजेक्टिव भी और नाउन भी है, नाउन और एडजेक्टिव दोनों है ये। और मैग्नम ओपस ये कौन सी पार्ट्स ऑफ स्पीच है, दिस बुक इज द मैग्नम ओपस ऑफ वर्ड्सवर्थ, तो मैग्नम ओपस क्या कहेंगे इसको, वाओ मन कर रहा है ऐसे माहौल में जो है बाहर निकल के घूमे जाके, इतना बढ़िया हवा चल रही, सरसर सरसर चारों तरफ मस्त हवा चल रही, यार खड़ा कटकटा रहा है, जल्दी क्लास खत्म करके बाहर निकलिए सर। मैग्नेट नाउन है ये, बिल्कुल बिल्कुल ये नाउन है, ये नाउन है मेरे लाल, ये नाउन है। वर्बेटिम, वर्बेटिम कौन सा पार्ट ऑफ स्पीच है, वर्बेटिम, वर्बेटिम कौन सी पार्ट ऑफ स्पीच है, सरसर सरसर हवा चल रही है, हाँ बहुत अच्छी, चलो भाई वर्बेटिम कौन सा नाउन है, तीसरा चौथा नहीं, चौथा बताओ, चौथा बता लल्ला, वर्बेटिम और वर्बल ये नाउन हो गया, बहुत बढ़िया, ये नाउन है और ये वर्बल ये एडजेक्टिव हो गया। आईज लग जाता है तो कौन सी पार्ट ऑफ स्पीच बनती है, जब किसी वर्ड में आई जेड ई लग जाता है, आई जेड ई लग जाता है, एफ वाई लग जाता है, आई ई आर लग जाता है, आई आर लग जाता है, या क्या लग जाता है, या आई जेड ई लग जाता है, तो ये कौन सी पार्ट ऑफ स्पीच बन जाते हैं जरा बताइए, तो छठे के बारे में बोलो बेटा, मॉर्निंग क्लास में ही पूरा नेट खत्म हो गया, चलो
ना व्यवस्था हो कहीं इधर उधर डलवाने की तो हमको बताना, हम डाल देंगे बेटा नेट अभी, ठीक है ना, अभी हमको मैसेज करना, हम डाल देंगे नेट, ये क्लास ले लो। मैं दिन भर कैसे पढ़ोगे, अभी 3 क्लासेस शाम को बाकी है। नेट 3 GB वाला डलवाइए पैक आप लोग अपने में, यही खर्चा करना है और कुछ खर्चा नहीं करना, ना कोचिंग जाना, ना रिक्शा करना, ना वहां नाश्ता करना, ना मित्रों के साथ घूमना, चुप्पे बैठ कर जाए, मैं तैयारी करना 4 घंटे की क्लास ले। ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया, यहां पे आ गया, यस नहीं यहां पे, ठीक है, देखो नेट आया। ओहो, तूफान ने नेट को थोड़ा सा परेशान कर दिया था, लेकिन नेट फिर से वापस आ गया मेरे पास, कोई एरर नहीं अकर कर रही है। अब सब कुछ बढ़िया चल रहा है, धक्का बिल्कुल चल रहा है, कहीं कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना, कोई दिक्कत। रुक इसलिए गया था क्योंकि हवा के तूफान ने नेट को एक बार स्विच ऑफ कर दिया था और वो फिर से ऑन हो गया और मैं फिर से आ गया। मैं कहीं नहीं गया। वीडियो शेयर करो एक बार, जरा एक बार वीडियो फेसबुक व्हाट्सएप पे हर जगह शेयर करिए, बुलाइए लोगों को कि क्लास फिर से चालू हो गई है, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। जल्दी से बुलाइए सबको, जल्दी बुलाइए, जल्दी बुलाइए सबको, बुलाइए और बताइए कि क्लास बिल्कुल एकदम बढ़िया चल रही है, झक्कास। मैसेज करना, आप डाल देंगे ये क्लास ले लो, मैं दिन भर कैसे पढ़। ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया, यहाँ पे बिल्कुल एकदम बढ़िया चल रही है झक्कास। हाँ चलो आ जाओ, क्लास को शेयर करो एक बार फटाफट। हाँ आठवें में वर्ब है, हाँ ठीक है, रिवॉल्व, ये क्या है बेटा, आठवें में ये वर्ब हो गई, ये वर्ब है ना, अरे हाँ डाल देंगे, तो ये रिवॉल्व है, कोई चीज वॉल्व हो वो रिवॉल्व हो जाए तो वो घूमती रहती है, ये रिवॉल्व, ये वर्ब हो गई, ये नाउन हो गया, रिवोल्यूशनरी ये एडजेक्टिव हो गया, हो गया कि नहीं हो गया। अब बताओ इवॉल्व क्या है, इवॉल्व कौन सी, छठा, ग्यारहवा बताइए, ग्यारहवा, ग्यारहवें का उत्तर दीजिए, ग्यारहवें का, बेटा जी ग्यारह का उत्तर जरा दे दो तुम। नौ का नाउन हो गया, ठीक है, नौ का नाउन हो गया, दस का एडजेक्टिव हो गया। कविता कहाँ जा रही है, बेस्ट आप लग कर रही हो, कविता कहीं जा रही हो क्या, इवॉल्व कौन सी पार्ट ऑफ स्पीच है, इवॉल्व 11 में वर्ब है, बिल्कुल ये वर्ब है बेटा, है ना, बहुत बढ़िया, और इवोल्यूशन सन लग गया, ये तो नाउन हो गया, और इवोल्यूशनरी जैसे रिवोल्यूशन बना था, जैसे रिवॉल्व था रिवोल्यूशन था, उसी तरह इवॉल्व था एवोल्यूशन था इवोल्यूशनरी, यही तरीका है वो कैप को डेवलप करने का बेटा, और यही बेस्ट वे है जिससे आप इस पर जीत हासिल कर सकते हो, नहीं तो नहीं कर पाओगे कभी। आप आ जाओ, इनके साथ वर्क करेंगे हम लोग, चलो लैकॉनिसिटी, लैकॉनिसिटी क्या होती है, क्या दिख रहा है, बढ़िया, कोई दिक्कत तो नहीं आ रही है, विश्वप्रकाश भैया ये दिख रहा है क्लियर, कोई दिक्कत तो नहीं है, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, सब दिखना चाहिए बढ़िया से, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। अब करना क्या है तुमको, अब तुमको फर्स्ट से मिलाना है, हर बार वही तरीका होता है किसी भी चीज को बहुत अच्छे से तैयार करने का, सिंगल एकमात्र तरीका यही है कि उसके पीछे पड़ जाया जाए और उसको बार बार जिक्र किया जाए, उसको बार बार देखा जाए, नेक्स्ट डे करवाएं, काहे नेक्स्ट डे काहे करवाएं, करवा ही देते हैं, क्या समस्या है, अरे झक्कास पढ़ो एकदम बिल्कुल, पहले में जी बता रहे हैं, फर्स्ट में जी, ये ग्रेट इकोनॉमी इन स्पीच, बहुत कम बोले जो, बिल्कुल ये फर्स्ट का जी हो गया, चलो दूसरे का, इलोक्वेंस दिया है यहां,
इलोक्वेंस। अब इनमें ऑप्शंस पढ़िए क्या, मैं सारे के सारे पढ़ूं, आप जो बताओगे मैं उसी को पढ़ूंगा और किसी को नहीं पढ़ूंगा। चलो मैं यहाँ किनारे साइड में आ जाता हूँ, कोने में लग जाता हूँ यहाँ पे, ताकि आपको डिस्टर्बेंस ना हो। पहले का जी मालूम हो गया मुझे, पता चल गया बेटा। अब आप बताइए दूसरे में, दूसरे में जे, दूसरे में जे के आई, आई बनाई हो तुम। ग्रेट आर्टिस्टिक और इमोशनल एक्सप्रेसिवनेस इलोक्वेंस, बिल्कुल सही है, एकदम सही है। दूसरे में नहीं, एच नहीं होगा, ये एच नहीं होगा, ये होगा आई, ये आई है, ये बहुत बढ़िया बेटा, एकदम करेक्ट है। मैच करो फटाफट, फटाफट मैच करिए इनको, मैं साइड में खड़ा रहता हूं यहां पे। दूसरे में ग्रेट आर्टिस्टिक बिल्कुल हो गया बेटा, ग्रेट आर्टिस्टिक और इमोशनल एक्सप्रेसिवनेस ये होता है। और बताइए तीसरा जो है मैग्नीलोक्वेंस, मैग्नीलोक्वेंस क्या होता है, व्हाट डू यू थिंक द मैग्नीलोक्वेंस इज। आप लोग फेसबुक पे शेयर करिए क्लास को, अपनी फेसबुक पे शेयर किया करिए, ठीक है ना, और मुझे टैग कर दिया करिए, काफी लोग तो फॉलो करना शुरू कर दिए हैं। बैटरी गई हमारे लैपटॉप की, पापा जी का फोन लिया है अंशु शर्मा। हाँ कोई बात नहीं अंशु शर्मा, बैटरी लैपटॉप की रात में चार्ज कर लिया करो बिटिया रानी, बिटिया रानी बड़ी सयानी, बैटरी हो जाती खत्म। चलो तीसरा मैग्नीलोक्वेंस, तीसरे में फ्लॉरीनेस, मैग्नीलोक्वेंस का मतलब बहुत शानदार तरीके से वो अपनी बात को कहे, बहारों फूल बरसाओ मेरा महबूब आया है, इस तरह की बात करे, तो कौन सा होगा तीसरे का ए, फ्लॉरीनेस पॉम्पस एलोक्वेंस इन स्पीच, बिल्कुल ये सही है तीसरा, बहुत बढ़िया, ये थर्ड का हो गया। चलो फोर्थ, फोर्थ बेटा जी लाइक भी करते रहो अपने साथ साथ में, है ना, आज मैंने कहा नहीं एक को बार लाइक करने के लिए। चलो चौथा वर्बोसिटी, वर्बोसिटी क्या होती है, व्हाट डू यू थिंक द वर्बोसिटी इज, वर्बोसिटी उत्तर दोगे तभी बोलेंगे हम। फोर्थ का जे बता रहे हैं जे, वर्डीनेस, बहुत ज्यादा शब्द जिसके अंदर हो, बिल्कुल वही होगा और कोई नहीं हो सकता। फोर्थ, फिफ्थ, फिफ्थ बताइए वर्डीनेस है, बिल्कुल तमाम सारे वर्ड्स का यूज करे जो वर्डीनेस के साथ, वही है ये बंदा, ये अनिल बिस्वानी है क्या। फिफ्थ का एच बताया जा रहा है, फिफ्थ का बताया भैया ने हमारे, किसने बताया, ये दीपक शर्मा भैया हैं हमारे, नहीं 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 नहीं, ये मैम है हमारी, शर्मा जी की आईडी से आई है, ठीक है ना। तो ये फिफ्थ का वैल्यूबिलिटी का आप बताए हैं जे, देखे जे क्या है, जे तो हो गया है नालायक। फाइव का एच बताया जा रहा है, एच फ्लैंसी इज, यस बिल्कुल, रैपिड स्पीच, रैपिडिटी ऑफ स्पीच, दिस वन इज फिफ्थ, वेरी नाइस। एंड नाउ द सिक्स वन, सिक्स्थ, हाँ बिल्कुल फ्लैंसी है, बिल्कुल फ्लैंसी है, बहुत बढ़िया, करना है आपको बस और कुछ नहीं, ये जितनी देर तक सामने रहेंगे उतनी देर तक इनके बारे में सोचते रहोगे, उत्तर लिखते रहोगे, बस यही तो चाहता हूं मैं कि एक पढ़ने के बाद इसको चार बार पढ़ना पड़े आपको बेटा, ये इसी तरह से तैयार होंगे, और कोई तरीका नहीं है इसका, और कोई तरीका इच नहीं है इसका तैयार करने का। अमरनाथ भैया फाइव का एच, हाँ बेटा बिल्कुल सही है। सिक्स का बी, इनसेंसेंट बता रहे हैं, इनसेंसेंट चैटर एंड मीनिंग बी, सिक्स का गारंटी, बिल्कुल सही है सिक्स का, एकदम करेक्ट। मैग्नम ओपस क्या है, मैग्नम ओपस क्या है, अरे थिंक द मैग्नम ओपस इज, मैग्नम ओपस दिख ना रहा हो तो मैं और किनारे हो जाऊं, भाई यही कर लो मैं छोड़ देंगे क्लास, का है परेशान मैं, उबो नहीं क्लास के लिए, बहुत उबते हो तुम लोग, एक घंटा जहां हुआ नहीं पूरा कि बिल्कुल एकदम सर जी कल अब कल अब कल। ग्रेट आर्टिस्टिक सेवन का डी होगा, बिल्कुल सेवन का डी होगा, एकदम डी यही होगा, ग्रेट आर्टिस्टिक वर्क सेवन, मैग्नम ओपस मास्टर पीस जिसको कहते हैं, मैं तो प्रिल्यूड को मानता हूं मास्टर, मास्टर मास्टर पीस प्रिल्यूड को, गैरलिटी। चलो
ये मैग्नम होगा। मैग्नेट क्या है? मैग्नेट एट नंबर, एट नंबर क्या है? मैग्नेट, व्हाट डू यू थिंक द मैग्नेट इज? एट का सी बताया जा रहा है, बिग व्हील इंपॉर्टेंट इंफ्लुएंस पर्सन, मैग्नेट पर्सन, बिल्कुल ये है मैग्नेट एट नंबर। नाइन नंबर, एट का सी है, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। नाइन बोलो, नाइन, नाइन बोलो जी, नाइन रेवोल्यूशन। नाइन में एफ बताया जा रहा है, रेवोल्यूशन का एफ, अ रोलिंग राउंड रेडिकल चेंज पॉलिटिकल, बिल्कुल यही नाइन, बहुत बढ़िया। और टेन और इलेवन दो बचे हैं, एक है इवोल्यूशन, बताओगे आप ही, मैं कुछ नहीं, आपको फिर से पढ़ना पड़ेगा इसको, पढ़िए और जो बचे हैं उन दोनों को पढ़िए और फिर जज करके हमको बताइए। टेन का, टेन नंबर, टेन नंबर, टेन, आज क्लास बढ़िया तरीके से पूरा टाइम हुई है, आज मैं थोड़ा अंदर से खुश हूं, और शाम वाली क्लास भी हो गई बढ़िया तरीके से, तब असली खुशी मुझे मिलेगी, तब शाम को मैं अच्छा महसूस करूंगा आज, ठीक है ना। सुबह की क्लास हमारी बढ़िया पूरा टाइम हो गई है और अच्छे से भी हो गई है, बड़ा अच्छा लग रहा है मुझे। दस का ई, हाँ बिल्कुल ई ही, अभी दो ही तो बचे हैं, एक ई बचा है इसमें दस हो जाएगा, और एक बचा और है कोई के, इसमें ग्यारह हो जाएगा। कोजेंसी का मतलब होता है परसुएसिव न्यूज, राजी कर रहा ना अपनी बात से, अपनी बात को मनवा ही लेना। और आपको ये बताते हुए कि एलटी प्लस टीजीटी प्लस पीजीटी का ये बैच इंग्लिश सब्जेक्ट के लिए चल रहा है, जिसको मैं खुद ही पढ़ाता हूं, नंबर हमारा स्क्रीन पे वहां लिखा है, एलटी प्लस टीजीटी प्लस पीजीटी, ये कॉम्बो बैच है, और इसमें सारी तैयारी हम करवाएंगे, और हमारे बच्चे जो भी हमारे साथ में यहाँ पर हैं, 250-250 के करीब होने वाले हैं, तो ये बच्चे हमारे सारे के सारे एग्जाम्स देंगे, बात समझ रहे हैं, कोई वेरिएशन नहीं। अगर आपको किसी प्रकार की दिक्कत है, कहीं कोई समस्या है, हम जानते हैं प्राइवेट टीचिंग आप करते हैं, आप ट्यूशंस करते हैं, आप अभी अनएम्प्लॉयड हैं, बेरोजगार हैं, तो आपको कोई अगर ऐसी दिक्कत है, पैसे संबंधी दिक्कत है, आप किसी पर निर्भर हैं, किसी पर बोझ है, और वो बोझ उतारना चाहते हैं, तो एक बार तो प्रयास करना पड़ेगा बेटा। तो हम बिस्वानी क्लासेस आपके साथ हैं, कहीं किसी प्रकार की कोई दिक्कत आपकी पढ़ाई में नहीं आएगी, इस वजह से कि आपके पास कभी कुछ थोड़ा सा पैसा नहीं था, ईश्वर आपको जिंदगी में देगा जब आपकी मेहनत उस लेवल को प्राप्त कर लेगी कि आपको मिलना शुरू हो जाए, तो आपको मिलना भी शुरू हो जाएगा। मुझे तब तक नहीं मिला जब तक मेरा लेवल मेहनत का उस लेवल तक नहीं पहुंचा, आपको भी वही करने की जरूरत है। आप सिर्फ लगे रहिए, मेहनत करिए। बिस्वानी क्लासेस में कोई ऐसा बच्चा एक सिंगल नहीं है जिसने ये कहा हो कि सर मेरे पास पैसा नहीं था, तो हमको सर ने मना कर दिया और कहा बेटा नहीं तुम मत पढ़ना, ऐसा एक सिंगल बच्चा हमारे साथ नहीं, आप बैठे हैं वहां पर, सब इस बात के गवाह हैं। तो आप सभी उन गरीब लोगों को हमारे साथ जोड़ दीजिए जिनके पास पैसा नहीं है, स्ट्रगल कर रहे हैं, परेशान हैं, और वो मेहनत करके आगे बढ़ना चाहते हैं। मैं उन सबको लेकर के एक समूह बनाऊंगा और उसमें से हीरे निकालूंगा, यही मकसद है मेरा। हर यूपी के हर विद्यालय में मुझे अपना चेला चाहिए, अपना शिष्य चाहिए, अपना मेंटर किया हुआ स्टूडेंट चाहिए, बस यही इच्छा है मेरी। उसके लिए मुझे जितनी मेहनत करनी पड़ेगी मैं करूंगा, वादा रहा, बस सारे इंस्ट्रूमेंट साथ देते रहे। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय डियर, थैंक यू।